नमस्कार बच्चों वेरी गुड मॉर्निंग कैसे हो आप सभी लोग ऑल गुड ऑल वेल तो बच्चों ये जो मैंने स्पेशल सेशन ऑर्गेनाइज किया है ये स्पेसिफिकली जो बच्चे राजस्थान एपीओ को एग्जाम को देने की सोच रहे हैं टारगेट कर रहे हैं उनके लिए है ऐसा क्यों है ऐसा इसलिए है कि राजस्थान एपीओ बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी लेके आया है आप सभी लोगों के लिए मैंने क्यों बोला इस बात को मैंने इसलिए बोला कि ये जो अपॉर्चुनिटी है ये दोनों कैटेगरी के बच्चे यूटिलाइज कर सकते हैं कौन कौन एक तो वो बच्चे जो असल में एपीओ में इंटरेस्टेड हैं और वो बैठना चाहते हैं और उनको वो नौकरी चाहिए और दूसरे वो बच्चे भी जो भले ही जुडिशरी का एग्जाम टारगेट कर रहे हैं जज बनना चाहते हैं अगर वो भी एपीओ का एग्जाम देंगे तो फायदे में रहेंगे ऐसा होगा क्यों होगा मैं भी समझाता हूं आपको देखो सबसे पहले हमको समझना है कि जो पैटर्न है राजस्थान एपीओ का वो किस तरीके से वर्कआउट कर रहा है देखो बहुत ही सिंपल सा पैटर्न है प्रिलिम्स की खासकर बात करूं क्योंकि अभी हमारे सामने सबसे पहला चैलेंज वो प्रिलिम्स का ही होने वाला है तो हमारा जो नोटिफिकेशन है वो क्या बोल रहा है वो बोल रहा है कि हम लोग अपने एग्जाम के अंदर फिलिम्स एग्जाम के अंदर 70 परसेंट वेटेज जो है वो देने वाले किस को लॉ सब्जेक्ट्स को और लॉ सब्जेक्ट्स कौन से हैं देखो लॉ सब्जेक्ट्स कौन से हैं इंडियन पीनल कोड इंडियन एविडेंस एक्ट सीआरपीसी ठीक है शेड्यूल ठीक एंड शेड्यूल पब्लिक एग्जामिनेशन अनफेयर मीन वाला ठीक है और दूसरा पब्लिक एग्जामिनेशन रिक्रूटमेंट वाला ये है, दिस इज सब्जेक्ट मैटर जहां सेवेंटी परसेंट वेटेज मिलने वाली है आपको हमारे प्रिलिमिनरी एग्जाम में और जो बाकी का थर्टी परसेंट है वो भी क्या है वो है हमारा जिसमें जनरल इंग्लिश भी पूछा जाएगा और जनरल हिंदी भी पूछा जाएगा तो मतलब लैंग्वेज वाला पर्सपेक्टिव है तो कहने का मतलब है अगर आपके ये वो लीगल वाले सब्जेक्ट स्ट्रोंग है और आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो लैंग्वेज को लेके तो आपके चांसेस बहुत ब्राइट हो जाएंगे क्यों क्योंकि अगर मानो आप एपीओ की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए आपको लैंग्वेज की प्रिपरेशन करनी ही पड़ेगी वो बच्चे आपको बहुत हेल्प करेगी जब आप जुडिशरी के एग्जाम में बैठोगे उसमें भी क्योंकि दो कैटेगरी का बच्चा बैठेगा जुडिशरी के एग्जाम में इस बार राजस्थान के एक तो वो बच्चा है वो केवल जुडिशरी पे ही फोकस कर रहा है और एक ऐसे बच्चे होंगे जो एपीओ का एग्जाम दे के आ रहे हैं तो पहली बात वो ज्यादा तैयार है दूसरी बात उनकी एक बार प्रैक्टिस हो चुकी है एग्जाम को देके क्योंकि बच्चा जो घबराता है वो थोड़ा बहुत लैंग्वेज से सब्जेक्ट से घबराता है मुझे लग रहा है लीगल सब्जेक्ट्स कवर करने में आपको इतना बड़ा प्रॉब्लम या चैलेंज नहीं होगा जितना लैंग्वेज में होगा तो वहां पे आपकी डबल तैयारी हो जाती है और सिलेबस जैसा आपको पता है बिल्कुल ओवरलैप करता है दोनों एग्जामिनेशन का तो मेरी आप अपनी तरफ से राय पता है क्या है राय यह है कि दोनों ही एग्जाम एक दूसरे से इतना क्लोज पड़ रहे हैं ओवरलैप हो रहे हैं बच्चे आप दोनों की ही तैयारी करो अगर आप केवल जुडिशरी भी सोच रहे हो ना फिर भी आप एपीओ की तैयारी करो उसमें बैठो मैं ये नहीं कह रहा कि उसको कर लेना या नहीं करना दैट इज अब यू पहले सिलेक्शन तो हो क्योंकि वो आपको बहुत हेल्प करेगा इन योर जुडिशरी वाला एग्जाम ऑल्सो और जो बच्चे एपीओ को सीरियसली ले रहे हैं उनके लिए तो कहना ही क्या दिस इज अ वेरी वंडरफुल अपॉर्चुनिटी क्यों क्योंकि देखो इंटरव्यू वाला सेगमेंट भी रिमूव कर दिया है ये बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है कि केवल आपको प्लिम्स क्रैक करना है जो क्वालिफाइंग है फिर आपका मेंस एग्जामिनेशन और सब कुछ सब कुछ मेंस पे ही रहेगा और मेंस में भी यही लॉ सब्जेक्ट्स आने वाले हैं घूम फिर के दीज सब्जेक्ट्स जो वहां पे आएंगे और ये जनरल इंग्लिश आएगी जनरल हिंदी आएगी तो पूरा जो एग्जाम का पैटर्न है वो इस तरीके से डिजाइंड है कि आप इन सब्जेक्ट्स पर इन ग्यारह सब्जेक्ट्स पर और ये ग्यारह कहने को है देखा जाए तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये तीन का हैगा जिसमें टाइम लगेगा इंडियन पीनल कोड इंडियन एविडेंस एक्ट सीआरपीसी बाकी की जो सारे स्टेच्यूट हैं इंक्लूडिंग लोकल वाले इनमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आप सही से डेडिकेटेड हो जाओगे तो एक महीने से ज्यादा नहीं लगेगा इन सारे सब्जेक्ट्स के अंदर छोटे छोटे से स्टैच्यूट हैं छोटी छोटी सी बातें बहुत ज्यादा कुछ है ही नहीं समझने के लिए इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा तो एक महीना मान लो आप इसमें लगा लोगे और एक महीने में आपका ये पूरा कवर हो जाएगा तो दो महीने की बात है दो महीने में आपका सेवेंटी परसेंट ऑफ दिम्स कवर हो रहा है और मेंस का तो देखो कितना बड़ा चंक है जो कवर हो रहा है बाकी की जो एनर्जी आपको लगानी है वो बच्चे लैंग्वेज के पेपर में लगानी है जनरल हिंदी में जनरल इंग्लिश में क्योंकि क्या होता है जो बच्चा इंग्लिश मीडियम का है उसकी इंग्लिश अच्छी है पर बेचारे को हिंदी में बड़ा डर लगता है या फिर जो बच्चा हिंदी मीडियम का है उसकी हिंदी अच्छी है उस बेचारे को इंग्लिश में बहुत डर लगता है तो दोनों ही स्थितियां थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है पर बच्चे पता है कोई ऐसा ऐसा बहुत बड़ी चीज नहीं है किसी भी लैंग्वेज के पेपर को आपको कमांड करने में ऐसा कुछ नहीं प्रैक्टिस का गेम है सारा गेम प्रैक्टिस का है और जो स्टैंडर्ड आता है ना लैंग्वेज के पेपर्स का आप ये मान के चलिए 10th, 11th, 12th वाला है।, है। मुहावरे कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप, कुछ बहुत बड़ा की बात पूछ लेंगे। आप सब कुछ पढ़ चुके स्कूल में आपको बस उसको रिवाइज करना है उस पर उसको थोड़ा सा स्ट्रेटेजाइज करना है कि कितना टाइम मेरे को देना है कहां से पढ़ना है आप कर लोगे बहुत आसानी से कर लोगे मैं सोच बोल रहा हूं आपको अगर आपका मूड अभी तक यह था ना कि मैं एपीओ के लिए बैठूं या नहीं बैठूं मैं कह रहा हूं आप बैठो मैंने ये सेशन ही इसलिए कंडक्ट किया है आपको करने के लिए कि मोटिवेट करने के लिए आप जाओ और इस एग्जाम में बैठो आपको बेनिफिट ही बेनिफिट होगा फिर चाहे वो जुडिशरी के एग्जाम की तरफ हो या फिर एपीओ ही निकल जाए भाई एपीओ बहुत अच्छी जॉब होती है बेटा इन मेनी परसपेक्टिव इज इट इट इज बेटर देन बीग अ जज क्योंकि यहां पे ना प्रोटोकॉल्स वगैरह इतने नहीं है फ्रीनेस रहती है इतना वो नहीं है और स्टेटस है बिल्कुल है बहुत बढ़िया स्टेटस है तो आप इस जॉब को इस फॉर्म को सीरियसली ले सकते हो और अगर अच्छे से करोगे तैयारी मतलब थोड़ा सा दिमाग लगा के करोगे ना तो बच्चे आपका निकल जाएगा और एग्जाम निकलना अपने आप में इतना आपको फील देके जाएगा ना कि आपका दिल खुश हो जाएगा अब करें कैसे देखो पहले टाइम की बात बता दू अब देखो नोटिफिकेशन आया है अब मान के चलो खिंच के कितनी भी जल्दी से जल्दी मैं इमेजिन कर लू मे से पहले एग्जाम होने नहीं वाला है और अभी हम बैठे हैं मार्च में मार्च भी अभी आधा ही खत्म हुआ है तो मार्च पड़ा हुआ है हमारे पास आधा अप्रैल पड़ा हुआ है हमारे पास ठीक है फिर मे में मैं बता रहा हूं कि जल्दी से जल्दी उससे पहले तो बहुत मुश्किल है इस एग्जाम का होना तो हमारे पास खिंच खिंचा के दो महीने का टाइम लगभग है और दो महीने का टाइम बच्चे बहुत सफिशियंट है इस एग्जाम को तैयार कंटेक्स में रखते हुए आप अगर आज से भी तैयारी शुरू करोगे ना तो बहुत है क्योंकि आपको जो मेजर फोकस रखना है वो इन तीन सब्जेक्ट्स पे रखना है एक कैटेगरी में फिर इन सब्जेक्ट्स पे रखना है एक कैटेगरी में और लैंग्वेज तो आप क्या करो सिंपल सी स्ट्रेटेजी बनाओ आपका जो डे है उसको डिवाइड करो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक दिन में आठ घंटे पढ़ रहे हो अगर आप आठ घंटे दे रहे हो तो आप उसको सिंपली डिवाइड करो कैसे करोगे डिवाइड इस आठ घंटे में से तीन घंटे वो दे दो आप इन तीन सब्जेक्ट्स को आईपीसी एविडेंस और सीआरपीसी को ठीक है बाकी के जो बच्चे तीन हाथ वो दे दो आप इन सारे सब्जेक्ट्स को और इन सारे सब्जेक्ट्स को वाइज पढ़ो जैसे पहले इसको कवर करो फिर इसको करो फिर इसको करो फिर इसको करो फिर इसको फिर करो फिर इसको करो ठीक है ऐसे कर लो इसके बाद जो हमारे पास दो घंटे बचे उनको वन आर वन आर करके डिवाइड कर लो एक घंटा रोज प्रैक्टिस करो इंग्लिश की भले ही आप इंग्लिश मीडियम के हो फिर भी करो और एक घंटा प्रैक्टिस करो बच्चे हिंदी अगर आप इस स्ट्रेटेजी को अपना लोगे आगे आने वाले पचास साठ दिनों के अंदर रेगुलर बिना चीटिंग के संडे सैटरडे अभी काउंट नहीं करना है रोज अगर आप इस स्ट्रेटेजी को अपना लोगे आपको ये रियलाइज होना शुरू हो जाएगा बीस पच्चीस दिनों में ही कि आपकी तैयारी बहुत स्ट्रांग हो गई है बहुत अच्छी हो गई है क्योंकि बच्चे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सब कुछ मेन्स पे बेस्ड है अगर आपने कमांड कर ली इन सब्जेक्ट्स के ऊपर इन लैंग्वेजेस के ऊपर आपकी एक नौकरी बच्चों पक्की है आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा कहीं परेशान नहीं होना पड़ेगा तो ये बहुत अच्छा मौका है आप सभी लोगों के लिए बस एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी फॉलो करो हजार चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है अभी तक जो आपने पढ़ाया अगर उससे कुछ नोट्स वगैरह बनाए हैं तो उसको फॉलो कर लो कोचिंग वगैरह के नोट्स हैं उसको फॉलो कर लो मतलब कोई भी जो अच्छी ऑथेंटिक सोर्स आपको लगती है जहां पे बात सही लिखी हुई है और बहुत ज्यादा समय नहीं ले रही है उस सोर्स को उठा के अपनी पढ़ाई को शुरू कर दो आज से ही अभी से ही आपका बहुत फायदा होगा मैं बोल रहा हूं आपको ठीक है बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी ठीक है अब इसमें मेरा रोल क्या आता है अगर बाई चांस आपको लगता है कि आपको ज्यादा गाइडेंस की जरूरत है और एपीओ को ऑब्वियसली जैसा मैं कह रहा हूं कि आपको सीरियसली लेना ही चाहिए तो आप एक और काम कर सकते हो स्टडी आईक्यू जुडिशरी और फीस बड़ी नॉर्मल तो फोर नाइन 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 की फीस है मतलब पांच हजार रुपए की फीस है इसमें क्या है प्रिंस मेंस दोनों की प्रिपरेशन करा रहे इंटरव्यू का पंगा है ही नहीं तो हम ये जो कर रहे हैं ना कि ये वाले सब्जेक्ट से ये वाले सब्जेक्ट से ये वाले सब्जेक्ट ऐसे आप काफी परेशान हो गए होंगे सर कहाँ से पढ़ेंगे कहाँ से लाएंगे नोट्स कहाँ से हैंड रिटेन नोट्स मिलेंगे कहाँ से मिलेगी पीपीटी कौन हमको समझाएगा तो ये सब कुछ लैंग्वेज वाले पेपर भी बच्चों ये सब कुछ और लैंग्वेज वाले पेपर भी कवर हो जाएंगे पांच में मात्र कुछ नहीं फुल प्रूफ तैयारी हो जाएगी आपकी ठीक है बस अगर आप इंटरेस्टेड हो तो एक बात को ध्यान रखना कि जब आप इस कोर्स को परचेस करोगे वेबसाइट पे जाके तो नॉर्मल गूगल पे जाना स्टडी आई की जुडिशियरी सर्च करोगे वेबसाइट खुल जाएगी राजस्थान एपीओ का कोर्स दिख जाएगा बस कोर्स कर, परचेस करते वक्त आप ये कोड को यूज करना बी एच आई मतलब अभिनव के जो पहले चार डिजिट है और अभिनव लाइफ एल आई वीई -E, आगे जोड़ देना इससे क्या होगा ना आप जब एनरोल होगे आप मेरे कंट्रोल में आ जाओगे आप मेरे उसमें आ जाओगे जिससे मेरी आपको डायरेक्ट गाइडेंस मिलेगी मेरे साथ जुड़ जाओगे डायरेक्टली तो कभी भी आपको अपनी जर्नी के अंदर प्रॉब्लम होगी आप सीधे मेरे से कनेक्ट कर सकोगे और जो भी हेल्प आउट कर सकूंगा मैं आपको कर लूंगा तो इस कोड को यूज कर लेना हो सकता है प्रॉबेबिलिटी कोई डिस्काउंट वगैरह भी चल रहा हो तो वो भी आपको मिल जाएगा और अदरवाइज आपका एक डायरेक्ट कनेक्शन बन जाएगा मेरे साथ ठीक है बाकी चलो ऑल इन ऑल कोर्स वगैरह की बात तो सब आपकी मर्जी आपकी जरूरत के हिसाब से है कोई जोर जबरदस्ती नहीं है इट्स ऑल अप टू यू पर अगर मैं एग्जाम की बात करूं वापस से बच्चे एग्जाम देना जरूर एग्जाम की तैयारी करनी ही करनी है एग्जाम की तैयारी करनी ही करनी है बहुत बड़े एग्जाम देखो अभी इस समय पर जो बंदा हल्का पढ़ गया हल्का पढ़ गया मतलब देखेंगे सर ये ये वाला एटीट्यूड अगर अभी रखा आपने दो में आने वाले महीनों में तो बच्चे बैठे रह जाओगे दो दो तीन तीन साल कुछ नहीं होने वाला अभी अच्छे मौके बन रहे हैं तो नौकरी को पालो और लग जाओ ठीक है बाद में बहुत पछतावा होता है समय बहुत बर्बाद हो जाता है सही एज पे सही समय में नौकरी में लग जाओगे तो बहुत अच्छा करोगे लाइफ में और बहुत अच्छी जॉब है प्रोजिक्यूशन ऑफिसर की बहुत बढ़िया जॉब है अच्छा पैसा है अच्छी सैलरी है स्टेटस भी बहुत अच्छा है और कुछ डिमांड नहीं कर रहा आपसे मात्र दो महीने का डेडिकेशन आठ घंटे का डिमांड कर रहा है और यह सिंपल सी स्ट्रेटेजी डिमांड कर रहा है बस ठीक है तो बच्चे निकल जाओ मेरी आप सभी लोगों से सजेशन है स्टार्ट प्रिपेयरिंग राइट नाउ ठीक है चल थैंक यू सो मच मुझे आप सभी लोगों को यही बताना था उम्मीद है कि कुछ हेल्प हुई होगी कुछ सहायता हुई होगी और जैसा कि आपको पता है कि शाम को साढ़े आठ बजे कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास है तो इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है आज हम लोग सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कवर कर रहे हैं जिसमें प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अटॉर्नी जनरल ये सारे टॉपिक को कवर करेंगे तो साढ़े आठ बजे आ जाना तो वो वाला भी सब्जेक्ट आपका कवर मैं करा दूंगा चलो थैंक यू सो मच आप सभी से मिलता हूं शाम को साढ़े बजे नमस्कार